Nahmadu Rasulullah Rasulullah Karim, Ahmadabad, Mohtama Principal Sahiba, Mushafiq, Asatida Karam, Bachchon aur Bachchi, Assalamu Alaikum. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस कॉलेज के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने आकर कुछ बात कर सकूं। और दूसरी बात बच्चों के लिए ये कहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो है कोई एक मोनोलॉग ना हो कि बस मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें, बल्कि डायलॉग हो जो आपके और मेरे बीच में, जिसे मुकालमा कहते हैं, कि भाई मैं कुछ कहूँ आप भी पूछें। और ये होने के बाद भी हम लोग कुछ सवाल और जवाब का वक्त रख सकते हैं, जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई बात आने छूट गई तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और आखिर में मैं ये रखकर चला जाऊँगा यहाँ पर, अगर आप चाहें तो उसके जीरोक्स वगैरह रखकर अपने टीचर से ले सकते हैं। बेसिकली कल जो, इससे थोड़े दिन पहले मुझे सलीम बेग सर का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो कॉलेज है यहाँ पर डीएड कॉलेज है, तो ज़ाहिर है कि डीएड आज जो हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है अभी जो आया है उसमें पहली से आठवीं तक को प्राइमरी एलिमेंट्री समझा गया है और 6 से 14 साल का पीरियड होता है। तो मुझसे ये कहा गया था कि ये बच्चे जो ये पीरियड के होते हैं, ये उम्र के होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत से मुतालिक आपको मालूम देना है। वैसे मैं समझता हूँ कि शायद डीएड का जो कोर्स है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। हाँ जी, अच्छा तो आई अच्छा तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उस एतबार से तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी शायद वो चाहते हैं कि कोई गेस्ट लेक्चर हो, इस हिसाब से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक कुछ बातें रखूँ, बच्चों की नफ्सियात और बच्चों की जो नफ्सियाती शिकायतें या अमराज होते हैं और हम किस तरह से बच्चों से डील करें ताकि वो अच्छी जो है अच्छे ढंग से सामने आए। तो जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो बच्चों को मुख्तलिफ, बच्चों के बच्चे जो हैं, मतलब अभी जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, मतलब बच्चे को माइनर कब तक कहा जाता है, किस उम्र तक, कोई बताएंगे उसका जो एडल्ट, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें 18 साल तक के जो लोग हैं उनको चाइल्ड या माइनर कहा जाता है। लेकिन अभी जो नई डेफिनेशंस आ रही हैं, जैसे जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं कम उम्र में, इस हिसाब से उन लोगों ने अभी उसको 18 से कम करके 16 तक करने का प्रपोजल आया है कि 16 से ऊपर अगर कुछ बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो उसको एडल्ट क्राइम कंसिडर किया जाए। बहरहाल 16 से 18 साल की उम्र को मतलब मेजर कहा जाता है उससे, और उससे जो छोटे हैं उनको बच्चे ऐसा समझा जाता है। उसको अलग अलग पीरियड्स में तकसीम किया गया है। क्या कोई बता सकते हैं कुछ ऐसे आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में बताए गए कोई पीरियड्स बचपन के? yes. बोली कोई एक खड़े रह के बोल सकते हैं? yes, जी, इब्तिदाई बचपन, आखिरी बचपन, उस्मानी शबाब, एडोलेसेंट पीरियड। जी ठीक है, थैंक यू। तो जैसे एक पीरियड जो उन्होंने बताया, जैसे इन्फंट का है या नवजायदा बच्चा जो, तो वो एक महीने तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फंट कहा जाता है। दूसरा जो है शीरखवार बच्चा जो होता है, कम से कम 2 साल तक की उम्र के लिए जो बच्चे रहते हैं उनको जो है तो ये कहा जाता है। फिर उसका जो छोटा बच्चा जिसको कहेंगे हम, वो 2 साल से 6 साल तक की उम्र को कहा जाता है, जिसे टॉडलर कहते हैं आमतौर पर। और 6 साल से 16 साल तक की जो उम्र का पीरियड है, या 5 से 15, अब थोड़ा बढ़ा दिया उन लोगों ने कि भाई 6 साल में एडमिशन दिलाना चाहिए, अभी जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उससे तबाद से, तो स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है वो तकरीबन 6 से 16 साल तक की उम्र तक होता है। अब जाहिर है कि जो लोग, जो टीचर्स बी एड करके बाहर आएंगे वो प्राइमरी क्लासेस को या प्री प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाएंगे, तो उस एतबार से हम लोग जो है तो इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर मतलब हम लोग जो है तो सिर्फ तालीम की बात करते हैं। बेसिकली सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? एक कोई हाथ पहले खड़े कीजिए फिर उसका बोलिए, तालीम क्या है और तरबियत क्या है?
वही बोला नहीं, जैसे आपको समझ में आता है वैसे, जरूरी नहीं कि उसकी डेफिनेशन है कोई। जी बोलिए। तालीम बच्चों में मौजूद सलाहियतों को उठाती है और तरबियत बच्चों के अखलाक की नशोनुमा। हाँ बराबर। तो तालीम जो है आपको कोई चीज सिखाती है, जैसे कमाने के काबिल बनाती है तालीम, लेकिन तालीम किस ढंग से कमाना चाहिए, सही तरीका क्या है कमाने का, उसको जो है तो खर्च करने का सही तरीका क्या है, ये बात नहीं बताएगी आपको। तालीम आपको बताएगी कि आप न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का सही इस्तेमाल क्या है, गलत इस्तेमाल क्या है, वो तरबियत ही आपको बताएगी। तो तालीम जो है वो है एजुकेट करना, आप किसी को स्किल पैदा करना, लेकिन तरबियत उसके स्किल को सही ढंग से इस्तेमाल करना, और वो जो तरबियत का जो ताल्लुक है वो अखलाकियात से है। इसलिए हमें जो है न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत भी करना होगा। तो हम इन दोनों बातों पर हम गौर करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो तालीम है या तरबियत है, मतलब यह है कि हम बच्चे का जो बिहेवियर है, जो उसकी सोच है, उसमें हम तब्दीली लाते हैं, उसके बर्ताव को हम इस ढंग से तैयार करते हैं कि वो बच्चा जब आगे बढ़े तो समाज के लिए मुफीद हो, उसके लिए मुजिर या उसके लिए जो है तो एक बोझ ना बने। तो ये कोशिश होती है हमारी। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि भाई बच्चे किस ढंग से सीखते हैं। शायद आपने चाइल्ड साइकोलॉजी जब पढ़ी है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये लर्निंग के जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो पढ़े होंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पावलोव ने दिया था। पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के साथ कि भाई अगर उसको जो है तो जब भी उसके सामने खाना लाकर डाला जाता है तो उसको जो है तो सिग्नेशन होते हैं। फिर उसने ये किया कि जब भी वो खाना देता था उसके साथ वो घंटी बजाता था, तो उसने घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया, तो खाने के साथ जब भी घंटी बजती थी तो उसके सिक्रीशंस होते थे। थोड़े दिनों के बाद उसने किया कि सिर्फ घंटी बजाया, खाना नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है तो उसके सिक्रीशंस होते हैं। मतलब ये कि वो कंडीशन में हो गया था उस आवाज़ को, उस आवाज़ के साथ वो खाने को, मतलब है कि उसको लगता है कि घंटी बजे तो खाना आना ही आना, तो वो सिक्रीशंस होना उसको शुरू हो जाता है, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। तो इससे एक उन लोगों ने ये थ्योरी डेवलप की कि भाई अगर दो चीज़ों को एक साथ जुड़ा दिया जाए तो जो कुदरती जो रिएक्शन होना चाहिए वो जो आर्टिफिशियल आप उसके साथ जुड़ाते हो उसके साथ भी होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हम एक्चुअल जो बच्चों को पढ़ाते हैं या तरबियत देते हैं, चाहे आप एज ए टीचर हो या एज ए पेरेंट, उसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई उस्ताद या पेरेंट अगर बच्चे को गुस्सा करे तो बच्चा जाहिर है कि परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर ऐसा है कि जब भी वो पढ़ाता है या पढ़ाती है, जब मैं मेल कोई वर्ड्स यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब फिर मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इंक्लूड्स ऑल। तो मुझे लगता है कि फीमेल वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, इसलिए मेजोरिटी लड़कियों की है और टीचर्स भी है, सबके सभी टीचर्स तो खवातीन ही। तो बहरहाल जब कोई उस्ताद पढ़ाती हैं या उस्ताद नहीं जो भी है बहरहाल, लेकिन हर बार जी, तो जब भी कोई टीचर पढ़ाता है और हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो वो जो पढ़ाई है उसके साथ बच्चा गुस्से को भी जोड़ लेता है। तो अगले बार वो उस टीचर के गुस्से से नहीं बल्कि टीचर की सूरत देखते हुए गुस्से परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये एक लर्निंग हो जाती है। तो जाहिर है कि जब माहौल आपको परेशानी का मिलेगा, घबराहट का मिलेगा, तो आप जो है सही ढंग से बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई को अच्छी चीज के साथ जोड़ना होगा, मुस्कुराहट के साथ, प्यार के साथ। अगर गलती करते हैं बच्चे तो डांट डपट के साथ, लेकिन अगर इसको आप उसको जोड़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी होगी। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरी जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता यह है, आप लोगों को है सिलेबस में, ट्वेल्थ में, सेकेंड ईयर में, अच्छा था पहले। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि जिस पर तजुर्बा किया जाता है वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। जैसे उन्होंने एक तजुर्बा ये किया है कि भाई एक बंदर को उन्होंने बिठाया एक लेवर के सामने, एक ऐसे हैंडल के सामने, अगर वो हैंडल दबाता है तो उसको कोई चीज़ मिलती है, जैसे केला है या कुछ है। तो जब उसको केला मिलता है तो उसको